सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो पिछले वीडियो में हम लोग सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने के बाद अब बारी है सेंसिटिविटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने के लिए। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, दैट इज द सेंसिटिविटी SKT ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरे को यहाँ पे गिवन है, दैट इज T इज इक्वल टू 1+2K डिवाइडेड बाई 3+4K, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स के इज गिवेन बाई। चार ऑप्शन गिवेन है यहाँ पे, तो ABCD। तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है और ट्रांसफर फंक्शन का मेरे को सेंसिटिविटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर के, ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवेन है मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन टी इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू कितना है मेरा, 1+2K डिवाइडेड बाय 3+4K, ओके। देन व्हाट इज SKT, SKT क्या है मेरा, व्हाट इज SKT, सेंसिटिविटी ऑफ टी। तो मैं बोलूंगा सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू के, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो SKT, व्हाट इज SKT, फॉर्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा K/T इंटू ΔT/ΔK, ये है मेरा फॉर्मूला, ओके। पिछले वीडियो में ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन किए थे। तो चलिए अभी पुट करेंगे K/T का वैल्यू। तो T मेरा क्या है, T है मेरा 1+2K डिवाइडेड बाई 3+4K। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट करूंगा, K डिवाइड कर दूंगा K डिवाइडेड बाई टी के बदले में हम लोग पुट करेंगे 1+2K डिवाइडेड बाई 3+4K, क्लियर, ओके। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, टी को अभी ΔT/ΔK निकालेंगे। तो व्हाट इज ΔT/ΔK, तो सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था मेरा, D/dt ऑफ U/V, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। क्या है मेरा फॉर्मूला, V into DU - U into DV डिवाइडेड बाई V2, ये है मेरा फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो व्हाट इज माई V क्या है यहाँ पे, V है मेरा 3+4K का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके। न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो V दैट इज 3+4K इंटू अभी DU, 1+2K को अगर डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू K, वो मेरा आएगा 2, क्लियर, माइनस U का वैल्यू क्या है, 1+2K एंड अगर 3+4K को हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू K, इसका वैल्यू आएगा मेरा 4, क्लियर। तो अब तक ये कहानी क्लियर हुआ आपको, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, दैट इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 1+2K डिवाइडेड बाय 3+4K, ओके, इंटू इसको अगर सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर में ये आएगा मेरा 2, ओके। तो ये मेरा आएगा 3+4K स्क्वायर, तो अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाय 1+2K होल इनटू 3+4K, इतना वैल्यू आएगा मेरा, है कि नहीं, ओके। चलिए तो अभी ये मेरा वैल्यू आ गया, तो दिस इज माय SKT। तो SKT का वैल्यू अभी मेरे को इतना मिला, तो लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, नीचे वाला को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2K डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2+10K + 8K², ओके। तो ऑप्शन सी, अभी देखिए ऑप्शन में देखिए क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओके, और पैरामीटर क्या है, के है। तो मेरे को यहाँ पे सेंसिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर के कितना फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम्पलीफायर विथ एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ए जीरो इज 1000 प्लस और माइनस 100, ओके। इट रिक्वायर टू हैव एन एम्पलीफायर हुज वोल्टेज गेन वेरीज बट नॉट मोर देन 0.1%। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फीडबैक फैक्टर। यहाँ पे मेरे को जी गिवन है, ओके, एंड मेरा जो चेंजेस हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू जो सेंसिटिविटी उसका वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज एम, एंड मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, एच फाइंड आउट करना है, दैट इज माई फीडबैक फैक्टर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज जी, यहाँ पे मेरे को गिवन है, गिवन कितना है जी, जी इज माई 10^3, दैट इज 1000, ओके। अगर जी गिवन है तो चेंजेस कितना हो रहा है, डेल जी, डेल जी कितना गिवन है, डेल जी इज इक्वल टू 100, डेल जी इज इक्वल टू 100। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी कितना निकलेगा, दैट इज डेल जी डिवाइडेड बाई जी इंटू 100। ये कितना आएगा, अगर इसका हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 10%, ओके, दिस इज माई 10%। तो यहाँ पे 10% मेरा निकल गया डेल जी। तो गिवन कितना है मेरे को यहाँ पे, एम परसेंटेज चेंज इन एम, परसेंटेज चेंज इन एम दैट इज इक्वल टू 0.1%, ये मेरा गिवन है, ओके। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पुट करूँगा, दैट इज परसेंटेज चेंज इन जी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन एम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जी, इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी। तो एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी क्या है, 1/1 + GH, डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे अगर मैं डेल एम का वैल्यू पुट करूँगा तो कितना वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, दैट इज इक्वल टू डेल एम का वैल्यू कितना आएगा, परसेंटेज चेंज इन एम दैट इज 0.1% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जी दैट इज 10% इज इक्वल टू 1/1 + G का वैल्यू मेरे को कितना गिवन है, 10^3 H, 10^3 H, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू मेरे को कितना निकलेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा दैट इज इक्वल टू 1/100, यह वैल्यू आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 1/1 + 10^3 H, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 + 10^3 H इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 99, ओके, इंटू 10^-3, तो H का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया, दैट इज 99 × 10^-3, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, पहले यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो जी गिवन है, डेल जी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन जी निकाल सकता हूँ, और मेरा डायरेक्टली गिवन है चेंज इन एम, तो 0.1%। तो ये मेरा फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पुट कर दूंगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, मेरे को यहाँ पे एच फीडबैक फैक्टर, जो फीडबैक फैक्टर है, तो वैल्यू ऑफ फीडबैक फैक्टर दैट इज एच इज इक्वल टू 99 × 10^-3, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम गिवन है मेरे को। तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मीन्स इट इज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, ये चार ऑप्शन में कौन सा मेरा सही ऑप्शन है, ओके, व्हिच इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए, तो मेरे को यहाँ पर क्या गिवन है, जो सिस्टम है मेरा वो है एक क्लोज लूप सिस्टम, ओके। क्लोज लूप सिस्टम में इट इज इनसेंसिटिव टू बोथ फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक पाथ। फॉरवर्ड पाथ मीन्स
दैट इज माई एच जी ऑफ एस, जी ऑफ एस एंड फीडबैक पाथ मीन्स इट इज ए एच ऑफ एस। ओके तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इट इज इनसेंसिटिव। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में इट इज गिवन है पहला ऑप्शन दैट इज इट इज इनसेंसिटिव फॉर द फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक पाथ गेन। ओके नाउ व्हाट इज सेकेंड ऑप्शन, इट इज लेस सेंसिटिव टू फीडबैक पाथ गेन, लेस सेंसिटिव टू एच ऑफ एस एंड दैट ऑफ फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर्स चेंजेस दैट इज जी ऑफ एस। ओके ये भी मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके नेक्स्ट इज इट इज लेस सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर, तो यहाँ पे ये लेस सेंसिटिव है जी ऑफ एस के साथ एंड विथ रेस्पेक्ट टू एच ऑफ एस। एंड व्हाट इज माय ऑप्शन डी, इक्वल सेंसिटिव टू फॉरवर्ड पाथ एंड एज वेल एज फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे देखिए, तो पिछले वीडियो में जब हम सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कशन किए थे तो वहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए थे, जो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, इट इज लेस सेंसिटिव फॉर फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ जो गेन होगा जी ऑफ एस के साथ जो ये लेस सेंसिटिव होगा एंड इट इज मोर सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द फीडबैक पाथ एच ऑफ एस के साथ, वो मेरा मोर सेंसिटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके तो जी ऑफ एस का जो सेंसिटिविटी है वो क्या था, मेरा लेस देन वन था, वो लेस सेंसिटिविटी है एंड एच ऑफ एस से साथ। ठीक है तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इट इज लेस सेंसिटिव टू द फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर जी ऑफ एस चेंजेस दैट ऑफ फीडबैक पाथ पैरामीटर्स चेंजेस एच ऑफ एस। ओके अगर जी ऑफ एस और एच ऑफ एस को हम कंपेयर करेंगे तो एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी जो होगा वो क्या होगा, लेस सेंसिटिविटी होगा विथ फॉर फॉरवर्ड पाथ गेन। इसको याद रखिए, इट इज लेस सेंसिटिव फॉर इन ए क्लोज लूप सिस्टम, इट इज लेस सेंसिटिव फॉर फॉरवर्ड पाथ पैरामीटर्स एंड इट इज मोर सेंसिटिव फॉर फीडबैक पाथ पैरामीटर। ओके सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए सिस्टम शोन इन फिगर, इफ जी चेंजेस बाय 10% देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन C1 एंड C2। ओके चार ऑप्शन मेरे को गिवेन है, दैट इज ए 10% 1%, बी ऑप्शन इज 10% 2%, सी ऑप्शन इज 5% 3% एंड डी ऑप्शन इज 5% 10%। तो मेरे को यहाँ पे दो फिगर गिवेन है, ये जो फिगर है ये है ओपन लूप सिस्टम का, ओके सेकेंड वन इज माई क्लोज लूप सिस्टम। तो दोनों फिगर में जी का वैल्यू मेरे को गिवेन है 10। ओके तो पहले देखेंगे व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन C1 एंड C2। तो C1 क्या है, C1 इज द आउटपुट ऑफ द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड C2 इज द आउटपुट ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो गिवेन क्या है मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवेन है द परसेंट जी चेंजेस बाय 10%। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन जी मेरे को गिवन है, चेंज इन जी कितना है मेरा डेल जी बाई जी इंटू 100, ये कितना गिवन है मेरे को, ये गिवन है मेरा 10%, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे 10% गिवन है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन C1। ओके तो परसेंटेज चेंज इन C1, तो मैं बोलूंगा द परसेंटेज चेंज इन C1 कितना है, द C1 इज चेंजेस बाय 10%। वाई C1 इज चेंजेस बाय 10%, क्योंकि ये है एक ओपन लूप सिस्टम। C1 क्या है, C1 है एक ओपन लूप सिस्टम का आउटपुट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, अगर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो ओपन लूप सिस्टम है इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, इट इज 100%। ओके तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में द सेंसिटिविटी ऑफ ए ओपन लूप सिस्टम इज
100%, क्योंकि इसका जो आउट ट्रांसफर फंक्शन है ये क्या है, फॉरवर्ड पाथ गेन के साथ इक्वल होता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू जी, तो टी इज इक्वल टू, अगर टी इज इक्वल टू जी अगर होगा इसका वैल्यू, तो इसका जो सेंसिटिविटी आएगा क्या है, ये मेरा फुल्ली सेंसिटिव सिस्टम, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज ए फुल्ली सेंसिटिव सिस्टम। सो ओपन लूप अगर ये फुल्ली सेंसिटिव सिस्टम है, तो इसका जो अगर ये जो जी जो अगर 10% चेंज होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट C1 है ये भी मेरा 10% चेंजेस होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन में देखिए, तो पहला वाला जो C1 है वो मेरे को मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम ऑप्शन में देख के बोल सकते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज नॉट माई करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5% गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और बच गया मेरा दो ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अभी हम देखेंगे C2 निकालेंगे, तो C2 क्या है, C2 इज द परसेंटेज चेंज जो है आउटपुट ऑफ द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द परसेंटेज चेंज इन M C2, परसेंटेज चेंज इन M, क्योंकि यहाँ पे मेरा M इज इक्वल टू CO2 बाई R गिवन है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन G। M जो है ये हमारा क्या ट्रांसफर फंक्शन, जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, दैट इज C2 बाई R, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन M इज इक्वल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन G। कितना है मेरा क्लोज लूप का फॉर्मूला, 1 + 1/1 + GH, डायरेक्टली पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इस फॉर्मूला में मेरे को क्या क्या गिवन है, तो परसेंटेज चेंज इन जी वो मेरे को मालूम है, कितना मालूम है परसेंटेज चेंज इन जी, दैट इज माई 10%। ओके, दिस इज माई 10%, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, तो परसेंटेज चेंज इन M डिवाइडेड बाय 10%, परसेंटेज चेंज इन जी क्या है 10% गिवेन है मेरे को, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by 1 + G का वैल्यू कितना गिवेन है, जी का वैल्यू है हमारा 10। ओके, एंड एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू गिवेन है, इट इज ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम, सब डायरेक्टली पुट करूंगा 1। ओके, तो यहां से मेरे को मिलेगा कि क्या, कि परसेंटेज चेंज इन M, तो परसेंटेज चेंज इन M क्या है, डायरेक्टली निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय 1 + 10 × 1, इतना आ जाएगा। ओके, 10% डिवाइडेड बाय 1 + 10 × 1, तो ये इसका वैल्यू लगभग इक्वल टू 1% आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 point something आ रहा है, सॉरी, ओके, तो इसका वैल्यू 0.0 something आएगा, 1 के बराबर आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, 1%। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज माई 10% and 1%। तो इसका मतलब क्या है, जो C1 है ये C1 चेंजेस हो रहा है 10%, क्योंकि ये मेरा ओपन लूप सिस्टम है, एंड जो C2 है वो मेरा आ रहा है 1%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो ये था मेरा कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी। ओके, तो यहाँ से जो सेंसिटिविटी पार्ट है मेरा कंट्रोल सिस्टम का, वो मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो भी मेरा बच गया है बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।